हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अवर ट्रिप टू डोमबाहा डैम एंड इट्स अबाउट 5 to 6 किलोमीटर फ्रॉम गज्जा. ओके, सो इट्स अ ब्यूटिफुल रोड एंड देयर इज नो ट्रैफिक हियर एंड इट इज लिंक टू द नेशनल हाईवे. सो इट्स अ लिंक रोड. मौसम थोड़ा फॉगी हो रहा है. क्या गाना है? और यहाँ पे हम देख रहे हैं डोलवा होशियारपुर रामलीला मैदान. बहुत ही सुंदर मैदान है ये आप देख सकते हैं. और यहाँ पे आगे एक मंच बना हुआ है और यहाँ पे रामलीला का मंचन होता है. रामलीला मैदान दशहरा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के सौजन्य से. बहुत बढ़िया. ये इट्स अ ब्यूटिफुल स्पॉट एंड ऑन आवर वे टू डोलवा डैम एंड इट्स अ वंडरफुल इवनिंग ऑफ वेडनेसडे एंड आई एम विद माय फ्रेंड्स विक्रम रोहित. We arrived. Now the road is very rough and tough. We arrived at Dholwa Dam. And we have to park here? Yes. My gosh! And it is landslide area. And fortunately, it's not raining right now and we are comfortable in driving. And here you can see there's a gate and it's written Dholwa Dam. है सुहाना सुहाना और चांदनी रात भी है और बहुत बढ़िया झील है और झील के आसपास जितनी भी वेजिटेशन है, जो यहाँ पे टीला है, छोटा सा पहाड़ है, उसकी परछाई यहाँ पे पड़ रही है. ऐसा लगता है कि किसी आर्टिस्ट ने पानी के ऊपर पेंटिंग कर दी हो. वाओ. एंड इट्स द इवनिंग टाइम. जरा सोचिए मॉर्निंग समय में या डे टाइम में यहाँ पे कितना वंडरफुल होगा, है ना? बहुत बढ़िया. लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी है कि हेलो यू लाइक इट? या इट्स वेरी नाइस प्लेस टू विजिट. And anything you want to, you know, special something you want to share about the place which is not known to our viewers? How many times you have come here and what was your experience about this place? Please. Several times. I visit here several times. Okay, you visited here several times. Along with your friends or like? Friends. Okay. Okay. At night time and day time also. Okay. एंड विक्रम जी, आप बताइए आपका अनुभव यहाँ पे कैसा रहा है? डोलबाहा डैम के साथ आपकी कोई जुड़ी हुई यादें या स्मृतियां हो? बहुत शानदार रहा है. अच्छा, बहुत शानदार रहा है. जैसे कि व्हाई डोंट यू थिंक दैट इट्स अ वंडरफुल प्लेस फॉर यू टू पुट दिस सीन और व्यू ऑन योर कनवास? ओके, बिकॉज ही इज अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड he has expertise in his artist and has a very good qualification. He has qualified national level eligibility test also in the field of art. And so sir is postgraduate from MDS University Ajmer in visual arts. Drawing and painting. In drawing and painting. Thank you, sir. Suhana. I want to jump from here and you just pick me like this. Yeah! हेलो, चांदनी रात, चांद को कवर करेंगे. शाबाश. यहाँ पे डोलवा डैम का जो एरिया है, इसमें सबसे वंडरफुल चीज मैं आपको बताता हूँ.
ये जितनी भी लाइट्स हैं उनकी लाइट्स मैं मुझे लगता है हटा दी गई हैं शरारती तत्वों के द्वारा। और फ्रेंड्स एक मिनट आप यहाँ आइएगा, कम 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 यहाँ पे आप देखिए वो जो लाइट्स दिख रही हैं ये एक बहुत ही जबरदस्त जगह है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे मंदिर मिलेगा जो पानी में डूबा हुआ है। और कैसी है बगल, इट इज नॉट लाइक कहावत, ओके आप इसका जो जो टॉप व्यू है वहां से आप इसका जो मंदिर का उस डूबा हुआ हिस्सा देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले कोई मंदिर रहा है और वो अपनी नेक्स्ट ब्लॉग में यहाँ पे डे टाइम में आएंगे एंड विल ट्राई टू कवर दैट एरिया ऑल्सो। लेकिन अभी देखिए जनवरी की सर्दी में शाम के समय में ये जो अंधेरा और चांदनी रोशनी में जो हल्की सी उजाला हमें दिख रहा है और ये कुदरत की हुई जो पेंटिंग हमें नज़र आ रही है इसको इसके क्या कहने, इट्स वंडरफुल। और यहाँ पे हमारे मित्र हैं, ही इज टॉकिंग टू हिज वेरी 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 क्लोज फ्रेंड एंड ठंड का मज़ा आ रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। एंड रियली हम यहाँ पे सेकंड टाइम आपको ज़रूर विजिट करवाएंगे एंड विल कम हियर एंड विल सी द ब्यूटी ऑफ डोलबहा डैम ड्यूरिंग द डे टाइम। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, सो आफ्टर विजिटिंग द डोलबहा लैंड वी आर बैक एंड राइट नाउ वी आर इन केवी गजभुंगा। यू कैन सी इट्स अबाउट 6:30 PM एंड लाइट अनफॉर्चुनेटली हैज गॉन, सो वी वर वेटिंग फॉर द लाइट टू सी द ब्यूटी ऑफ द स्कूल इन द चांदनी रात। ओके सो थैंक यू, बहुत मजा आया, बहुत अच्छी विजिट रही, थैंक यू ऑल।